करना इधर है, लाइट है, लाइट हाँ ठीक है, वो ब्राइटनेस कम कर रखी है वैसे। गौर प्रेमानंद दे हरि ब्राइटनेस कम कर दो, ज्यादा चलेगा। चार ओ मैं ज्ञान तिम्राम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने भवतु सेनम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर ब्रह्मानंद हरे हरे कृष्ण सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज चरण सरोज श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं जताजू के प्रणाम करता हूँ। आज हमारे संप्रदाय में शरद गोस्वामी के अन्यतम श्रील जीव गोस्वामी का आज श्री आविर्भाव तिथि है। तिरुभाव तिथि माने तिरुभाव तिथि आज श्री तिरुभाव तिथि है। कहते भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहावत। इसलिए भगवान जब इसी जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, कहते अपना धाम और अपना परिकरों को लेकर के ही आते हैं। जैसे कहीं ड्रामा होता है ना, उसमें क्या होता है जो जो प्लेयर उसमें प्ले करते हैं वो सबको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें राम कौन बनेगा, उसमें लक्ष्मण कौन बनेगा, इसमें सीता कौन बनेगा, उसमें हनुमान कौन बनेगा, सबको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर जागरे क्या होता है, जागरे को वही वही रोल को वहाँ पर करते हैं। फिर उसी तरह जब इसी जगत में भगवान आते हैं इसी जगत में जीवों के ऊपर में कृपा करने के लिए उनको ऊपर में कृपा करने के लिए वो सबके सब ट्रेनिंग दिया जाती है। जागरे कौन क्या वहाँ पर क्या क्या काम करेगा, और जैसे ट्रेनिंग दी जाती है ना यहाँ पर आकर ठीक वैसे काम करते हैं। इसलिए श्रीमान महाप्रभु जब आए इस जगत में संपूर्ण निकुंज को उन्होंने उतार लिया। सारे निकुंज के जितने मंजरी सखी हाँ सखा जैसे कृष्ण का था ना उसी तरह महाप्रभु पूरा निकुंज मंदिर को यहाँ पर उन्होंने यहीं पर उन्होंने उतार दिया है। इसलिए महाप्रभु ने एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक सिद्धांत को स्थापित किया। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कहते रस को किसको द्वारा उन्होंने रस को स्थापन की, भले श्री रूप गोस्वामी के द्वारा। कहते किसको द्वारा ये नाम को किसको द्वारा स्थापन की, भले श्री हरिदास ठाकुर जी के द्वारा।
कहते राय रामानंद बोले कंदर पर दर्प नासे, इनको द्वारा काम को कैसे जीता जाता है, कहते कंदर्प को दर्प नासे। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा कहते इनको बता दी हमारे प्रयोजन आचार्य है, मतलब हम जो भजन कर रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा उन्होंने विलाप पुष्पांजलि आदि ग्रंथ रचना करके ये चीज लिखाया। कहते श्री जीव गोस्वामी को द्वारा, इसलिए श्री लोचन दास कौन सा है वो एक सुंदर भजन लिखते हैं, एल गौर रस नदी कादम्बी निहोए भाषाई लगौर देश प्रेम बृष्टि दिए। वो भजन में गाते हैं, हैं बोले ये महाप्रभु कौन सा भक्तों के द्वारा उन्होंने क्या क्या जगत में स्थापन किया है, वो भजन को द्वारा बड़ा अपूर्व भजन ये है। कहते नित्यानंद राय ताहे मारुत सहाय जहाँ नाही प्रेम वृष्टि ताहा लय जाय। कहते अद्वैत आचार्य क्या करते हैं बोले हुडू हुडू शब्दे आइल श्री अद्वैत आचार्य जल रस धारा ताहे राय रामानंद। उसमें वर्णना करते हैं उसमें कौन सा भक्त क्या क्या काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर कहते हैं श्री जीव गोस्वामी के लिए, उसके लिए जीव गोस्वामी के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं श्री जीव गोस्वामी ताहे सिद्धांत सलीले। इसलिए इसमें बताते हैं उसमें बताया जीव गोस्वामी और उसमें बताते श्री जीव गोस्वामी कवे भक्तमन ठाकुर कहते श्री जीव गोस्वामी कवे सिद्धांत सलीले वे तरका नल जाहे चित्त जोले। इसलिए जीव गोस्वामी के लिए कहते हैं, कहते कब ऐसे दिन आएगा श्री जीव गोस्वामी अपना सिद्धांत रूपी जल के द्वारा हृदय में जो तरह तरह का जो तर्क वितर्क है, कहते ऐसे कब दिन आएगा हमारे हृदय में जो तर्क वितर्क हो वो शांत कर देंगे, क्योंकि जब तक हमारे मन को अंदर में तरह तरह का शंका रहेगा हम कृष्ण को भक्ति करें क्यों, दूसरे दूसरे देवा देवी है जगत में तरह तरह का फिलोसफी है, हम महाप्रभु का फिलोसफी क्यों ग्रहण करें, जब तक ये सिद्धांत को कोई नहीं जानते हैं फिर तो हमारा जो हृदय है ना फिर तो शुद्ध भक्ति भी नहीं लग सकते है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस जाते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कहते जो सिद्धांत तत्व दर्शन उतना कठिन है दिमाग में ग्रहण करना, कहते भैया उसमें अलसता मत करो, क्योंकि जब तक तुम तत्व दर्शन को नहीं जानोगे, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे बात को, देखो जब तक तुम हमारे संप्रदाय का विचार को नहीं जानोगे, जो जितने ये संप्रदाय का विचार को जानते हैं कहते उसका भक्ति उतना ही पुष्ट है, जब तक ये सिद्धांत तत्व कोई नहीं समझता है उसका भक्ति ही उतना डावाडोल है। इसलिए बहुत सारे भक्तों को हमने देखा वो आए हमारी गौड़ीय संप्रदाय में फिर बाद में दूसरे दल में चले गए, बाबा जी दल में कहीं चला गया, कहीं किधर उधर संप्रदाय में चला गया, बोले क्यों, चूंकि उसको सिद्धांत के विषय में पता नहीं। इसलिए उसी दिन हम श्रवण कर रहे थे भक्त तीन तरह का है, एक उत्तम भक्त है, एक मध्यम भक्त है और एक कनिष्ठ भक्त है। कहते हैं कनिष्ठ भक्त कौन है, कहते कनिष्ठ भक्त उसको कहते हैं अभी भजन जिसका पक्का नहीं, बोले डामाडोल सा भक्ति है, हैं कभी भक्ति करता कभी नहीं करता, थोड़ी अगर इधर उधर कर दे हाँ बात से ऐसे बात छोड़ करके बाबा जी में नहीं तो छोड़ करके किसी दूसरे संप्रदाय में चले जाए। कहते इसका जो भक्ति है वो डामाडोल भक्ति, वो सबसे नीचा भक्त बन गया। बोले मध्यम अधिकारी भक्त किसको बन गए, बोले वो दूसरों को समझा नहीं पाता है ठीक से लेकिन अपना भजन को पक्के रखता है, उनको भजन से कोई विचलित नहीं कर सकते है, इधर उधर की बात बता करके उसका भजन को कोई डामाडोल नहीं कर सकता, अपना भजन में परिपक्व है। कहते उत्तम भक्त कौन है,
कहते जो स्वयं अपने भक्तों को दृढ़ रूप में भक्त अपने कर लेता है, दूसरों को भी हैं समझा करके दूसरों को भी भगवत भक्ति में जो अनुप्रेरणा कर सकते, वो कौन है? कहते वो उत्तम भक्त है, हैं उत्तम भक्त। इसलिए कृष्णदास गोस्वामी कहते सिद्धांत को लेकर के अलसता नहीं करनी, सिद्धांत को अच्छे तरह से पक्का रूप में जाननी चाहिए। इसलिए हमारे संप्रदाय में श्रील जीव गोस्वामी को माना जाता है, ये कौन है? कहते हमारे सिद्धांत का आचार्य है, ये सिद्धांत का आचार्य है। इसलिए इनका नाम क्या है? बोले जीव, इनका नाम है जीव। बोले जीव मतलब क्या? ये जीव का तीन अर्थ बताए। बोले एक अर्थ है जीव यति इति जीव, जीव जीवस्य जीवनम। जीव को बताया गया जो जीव को जो जीवन प्रदान करता है, मतलब जीव को जो प्राण प्रदान करे। जीव को प्राण कैसे प्रदान किया जाता है? सिद्धांत के द्वारा, तत्व सिद्धांत के द्वारा जीव को प्राण दिया जाता है। बोले जीव भरण पोषण च, जीव का और एक अर्थ है जो जीव को भरण और पोषण करता है। बोले कैसे? बोले भक्ति को द्वारा जो जीव को पोषण भी करता है, उनको जो उनको भरण भी करता है। कहते ये कृष्ण लीला में ये कौन है? इनको बताया कृष्ण लीला में कौन है? कहते ये विलास मंजरी है, विलास मंजरी। पी मतलब विशेष पूर्वक, लसत मतलब होता है संस्कृत भाषा में, लसत मतलब होता है इच्छा है। कर जो विशेष पूर्वक महाप्रभु की जो इच्छाओं को, जो विशेष पूर्वक महाप्रभु इच्छाओं को जो पूर्ण किया है, कहते ये कौन है? कहते ये श्री जीव गोस्वामी, ये विलास मंजरी है। इसलिए हमारे संप्रदाय का ये तत्वाचार्य है। इसलिए तत्वाचार्य द्वारा उन्होंने विशेष करके, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, उन्होंने विशेष करके 60 संदर्भ लिखे। तब कहते ये 60 संदर्भ किया है। संदर्भ मतलब होता है जैसे कि बक्स होता है ना, जैसे बक्सों के अंदर में जैसे दिव्य रत्न रहता है ना, बक्सों के अंदर में वो दिव्य रत्न को जैसे बक्सों के अंदर में रखते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये भागवत को बताया एक महल है, सुंदर भागवत एक महल है, लेकिन अभी महल में प्रवेश करने के लिए कोई गेट तो जरूरत है ना, को तो गेट किया। तो गुरुदेव कहते थे ये जो गेट है ये 60 संदर्भ है, ये 66 ये बक्स है जिसमें दिव्य रत्न है। इसका मतलब है अगर कोई भागवत रूपी महलों के अंदर में अगर कोई प्रवेश करना मदद कर, इसलिए कोई अगर उसका अंदर में प्रवेश करना चाहते हैं कि तो उसमें गेट किया है, कहते गेट है 60 संदर्भ है। जब तक ये 60 संदर्भ को कोई ठीक ठीक से नहीं समझे, फिर कहते भागवत का पूर्ण अर्थ को आप संपूर्ण रूप में नहीं समझ सकते हो, है। इसलिए कहते 60 संदर्भ में, 6 संदर्भ में, उसमें जितने सारे हम ग्रंथों को पढ़े उसमें तीन चीज आपको मिलेगा। क्या तीन चीज मिलेगा? क्या तीन चीज मिलेगी? सारे ग्रंथ में तीन चीज मिलेगी, क्या क्या है? अभिधेय प्रयोजन। इसलिए एक संबंध और एक अभिधेय और एक प्रयोजन है, यही तीन चीज मिलेगा और ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, है। इसलिए उन्होंने ये जो 60 संदर्भ में, उन्होंने कुछ संदर्भ में उन्होंने तत्व संदर्भ आदि में उसमें क्या किया, 4 ही संदर्भ में उन्होंने संबंध तत्व को वर्णन किया है, है। हमारे संबंध किसको साथ में है? कृष्ण को साथ में है। इसलिए कृष्ण एक होते हुए भी बताया ना, बदन्ति तत्व विदस्तत्तम जज ज्ञानं मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो एक ही भगवान है लेकिन उनका तीन प्रतीति है, एक उनका ब्रह्म प्रतीति है और एक परमात्मा है और एक भगवान है, हैं। इसलिए इन्होंने 4 संदर्भ में हमारे आराध्य देव ब्रह्म क्यों नहीं है, हमारे आराध्य देव परमात्मा क्यों नहीं है, लेकिन हमारा आराध्य देव कौन है? कृष्ण ही है, कृष्ण ही हमारी आराध्य देव। क्यों? कृष्ण आराध्य देव है, कृष्ण है कौन? कहते उन्होंने 4 संदर्भ में उन्होंने कृष्ण को परतत्व रूप में उन्होंने निरूपण किया है, हैं। कृष्ण ही परतत्व है, जो ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, जो इतिहास
कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए चार संदर्भ में उन्होंने कृष्ण को ही परतत्व रूप में उन्होंने स्थापन करते हैं। और एक जो भक्ति संदर्भ में भक्ति ही अभिधेय है, हमारे ज्ञान कर्म योग अभिधेय। अभिधेय समझते हो? अभिधेय मतलब क्या है? अभिधेय मतलब क्या? प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस है। हाँ, उनको पाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, हाँ, ये भक्ति ही क्यों तरीका है, उन्होंने जो व्याख्या किया ना भक्ति की क्यों तरीका है, अद्भुत रूप में। वो ग्रंथ का नहीं पढ़ोगे ना समझ नहीं सकते हो। उन्होंने भक्ति को कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप में, केवल भक्ति को कैसे स्थापन किया, कल हम इसी विषय पर, केवल इसी विषय पर कल हम सुनेंगे। उन्होंने भक्ति संदर्भ में भक्ति को उन्होंने किस रूप में उन्होंने दर्शन कराया है, और जो प्रीति संदर्भ में उसमें हमारा प्रयोजन किया है, हमारे जीवन का हम जो साधन भजन कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य क्या है, हाँ, कहते ये चीज को उन्होंने प्रयोजन तत्व को उन्होंने प्रीति संदर्भ में स्थापन किया है। इसलिए उन्होंने बड़े दृढ़ रूप में, हाँ, इसलिए गुरुदेव कहते थे, अभी प्रभु जी बता रहे थे ना, रूप गोस्वामी ने सारे रस ग्रंथों को उन्होंने स्थापन किया है, हाँ, हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन कहते ना, जैसे सुंदर एक सरोवर है, मानस सरोवर है, उसमें कोई से कहीं से कोई गंदी नाली आकर के उसमें मिल नहीं जाए, हैं? इसलिए उन्होंने किया कि चारी तरफ में दीवार, चारी तरफ में उन्होंने दीवार खड़े कर दी, जैसे कोई गंदी चीज आकर के ओ सरोवर में कोई मिल नहीं जाए, चारी तरफ में दृढ़ उन्होंने प्राचीरी को उन्होंने चारी तरफ में बांध दिया। बोले क्या है, कहते ये जो छह संदर्भ को द्वारा उन्होंने पूरा प्राचीरी बना लिया, जिस संदर्भ में कोई गंदी चीज प्रवेश नहीं कर जाए। इसलिए श्री जीव गोस्वामी को हमारे संप्रदाय का सिद्धांत आचार्य इनको माना जाती है। कहते ये कहाँ पर जन्म हुए, एक स्थान है मालदह है, मालदह है, उसको पास में इनके जन्म हुए है। इसलिए इनकी जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और श्री बल्लभ व अनुभव, कहते ये तीन भाई थे, आप जानते हो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में, मतलब इनकी पूरा के पूरा परिवार ही महाप्रभु का शरण में, पूरा का पूरा परिवार महाप्रभु का शरण में। और जो अनुपम था, हैं, कहते इनका जो बेटा है ये श्री जीव गोस्वामी, उनकी ही बेटा है। तीन भाई तो साधु है ही है, और जो भाई एक जो गृहस्थ था उसका भी बेटा ये भी भगवत भजन में, ये भी भगवत भजन में आए। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी, जब श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब ये दोनों ने सबको जो छोड़ करके श्री महाप्रभु के पास में आए, और पहले इन लोगों ने जो मालदह में राम के लिए ग्राम है, कहते राम के लिए ग्राम में, वहीं पर उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ में वहीं पर महाप्रभु का साक्षात्कार वहीं पर हुआ है। हम लोग दर्शन किए, ये दर्शन हम लोग गए थे, इसलिए हम लोगों ने उसको दर्शन किए जहाँ पर उनके साथ में उन्होंने मिले है। जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्होंने सबको जो छोड़ छाड़ करके उन्होंने भगवत भजन में आए, इसको बाद में जीव गोस्वामी हृदय में भी बड़ा वैराग्य आया है, उन्होंने बड़े वैराग्य आया है। इसलिए इनका जो बाल्य, जो बचपन में है, वो कैसे कैसे उनको क्रिया था, तब भक्ति रत्नाकर में दो चार प्यार को द्वारा कहते हैं, सजीव बाल्य काले बालक रसने श्री कृष्ण समद बिना खेला नहीं जाने। ये साधारण बच्चे जैसे खेला करते हैं, जब श्री जीव गोस्वामी उन्होंने उनका खेला धुला कैसे करते थे, उनका जो खेला धुला बताए, बोले कृष्ण समद बिना किछु ही नहीं जाने, उनका साधारण खेला धुला नहीं, कृष्ण को लेकर के उनका सारी खेला धुला कृष्ण लीला और कृष्ण मूर्ति को लेकर खेला धुला करते थे। सोते थे तो कृष्ण को गोद में ले करके सोते थे। बोले कृष्ण बलराम मूर्ति निर्माण करिया करी तेन पूजा पुष्प चंदना आदि दिया। जब छोटे बच्चे थे कृष्ण बलराम की मूर्ति स्वयं बना करके कहते उनको स्थापन करे उनको चरण में चंदन पुष्प के द्वारा उनके चरण की ये पूजा किया करते थे। भूषण भूषित करे प्रेम दर्शन प्रणाम समय इसलिए जब उनको प्रणाम करते थे
सुंदर उनका श्रृंगार करते थे और प्रणाम करते समय आंखों से आंसुओं की झरी बहा करता था। उनको बाल्यकाल में ऐसे ही उन्होंने संपूर्ण कृष्ण संबंध को छोड़कर कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को साथ में नवद्वीप में आकर के मिले। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को साथ में मिले जीव गोस्वामी, तब नित्यानंद प्रभु उनका सर पर उन्होंने चरण रखे और उन्होंने जो परिक्रमा कहते श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर के संपूर्ण उन्होंने नवद्वीप धाम का जो परिक्रमा है उन्होंने करवाया और उनको बताया, देखो महाप्रभु यहाँ पर ये लीला किया था, महाप्रभु यहाँ पर ये लीला किया था, महाप्रभु ने ये लीला की थी, महाप्रभु ने ये लीला की थी, हैं? उन्होंने संपूर्ण धाम को, उन्होंने नित्यानंद प्रभु ही जीव गोस्वामी को सारे धाम उन्होंने दर्शन करवाया और बोले देखो तुम्हारे जो परिवारों को महाप्रभु ने कहाँ पर स्थान दिया, बोले वृंदावन में, इसलिए तुम वृंदावन में अंतिम स्थान है, जाओ तुम वृंदावन में जाओ। इसलिए उन्होंने श्री वृंदावन धाम में श्री जीव गोस्वामी आए, फिर श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के अनुगत में उन्होंने श्री वृंदावन धाम में रहे। इसलिए अभी अभी प्रभु जी आपको बता रहे थे, कहते श्री जीव गोस्वामी को ऊपर में साधारण रूप में लोगों का तीन शंकाएं हैं, कुछ सहजिया लोग है, कुछ सहजिया लोग है जीव गोस्वामी पर तीन दोष का आरोपण करते हैं। तो तीन दोष में पहला क्या है, अभी जो प्रभु जी बता रहे थे, हाँ प्रभु जी जो बता रहे थे कहते ये एक है। दूसरा एक समय कोई एक दिग्विजय पंडित था, उनने सारा दुनिया में सबको पराजित करते 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 आया। उनने सुना ब्रज में दो बहुत बड़े दो संत रहते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले कौन है, बोले एक श्री रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी, हैं? क्योंकि ये अपराकृत कवि है, ये साधारण तो है नहीं, ये जगत का तो कवि है ही नहीं, वो दिव्य कवि है, हैं? वो गोलोक वृंदावन का कवि है, गोलोक वृंदावन की ये कवि है। कहते बहुत बड़े दो विद्वान रहते हैं, उनने देखा अगर ये दो विद्वानों को मैं परास्त कर दूंगा ये संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्म में मेरा पांडित्य में संपूर्ण जय हो जाएगी। तब उन्होंने उसको विषय में दो कथा आती है, एक कथा आती है उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में आए और उसी समय श्री जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने आकर के उन्होंने उनको साथ में बोले मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो नहीं तो जय पत्र दे दो मेरे को, हम इनको साथ में हार गए हैं। अभी ये लोग कौन है, महाप्रभु का आदर्श में आदर्श है, थोड़ी ये तर्क वितर्क करना चाहते, भगवान ये जीवन तर्क वितर्क के लिए नहीं दिया, भजने के लिए दिया है। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं त्रिनादपी सुनिचे न तररपि सहि सुनुना अमानी नांग मानते न कीर्तनीय सदा। ये महाप्रभु का शिक्षा है, सबको यथा योग्य सम्मान दो, स्वयं सम्मान की भूखे मत बनो और तीर्ण से भी ज्यादा दीनहीन बनो और वृक्ष से भी ज्यादा सही सुनो, ये महाप्रभु का धर्म है। इसलिए उन्होंने देखा इनको साथ में वृथा है शास्त्रार्थ कर क्या लाभ किया है, बोले भैया जय भद्र ले 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 जय भद्र ले, तो इनको जय भद्र दे दिया। जब जय भद्र दे दिया जीव गोस्वामी बोले ये महाप्रभु का धर्म में हाँ त्रिनादन सुनिचन शुक्र अवलंबन कर रहे और ये पंडित तो उन्होंने सचमुच से जय भद्र दे दिया, ये तो सोच रहा है हम तो जीत गए। कहते सर जीव गोस्वामी कहते बहाना बना करके उनको पीछे पीछे जाते हैं, जा करके फिर उनको साथ में उन्होंने शास्त्रार्थ किया, हाँ शास्त्रार्थ करते हुए बात बात में उनको हरा दिया है, हाँ बात बात में उनको हरा दिया। जब हरा दिया इतने में जब उनको बात बात में हरा दिया, देखा भैया ये तो बहुत बड़े विद्वान है, जिसका शिष्य है कि तुम इनका क्या, बोले उनको तो हम शिष्य है, बोले जिसका शिष्य है इसे तो गुरु कैसे नहीं होंगे। फिर बाद में उन लोगों ने आकर के श्री महाप्रभु को ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास में माफी मांगी है, माफी मांगी। ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है प्रभु जी ने जो कथा सुनाए श्री रूप गोस्वामी जिस समय भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे तब श्री बल्लभाचार्य वहां पर आए। बल्लभाचार्य साधारण नहीं थे, उस समय उन्होंने मायावाद को उन्होंने ऐसे खंडन किया 108 सोने की कलसी में
इनको अभिषेक की गई वल्लभाचार्य को, मतलब इतने इनका जो टीका है भागवत गोपर में इसका नाम सुबोधनी, लेकिन नाम तो सुबोधनी है लेकिन वो दुर्बोधनी है, मतलब इतने कठिन टीका बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने उन्होंने बात बताए है भागवत गोपर में। उन्होंने आकर के उन्होंने रूप गोस्वामी को बोले, बोले तुम क्या लिख रहे हो, बोले भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहा हूँ। तो उन्होंने मंगलाचरण श्लोक को उन्होंने पढ़ा, श्लोक क्या था, भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जाबत हृदय वर्तते ताबत कृष्ण भक्ति सुख से कथम अद्भुत भवे। इसका मतलब है बोले जब तक हृदय में भुक्ति मुक्ति रूपी स्प्रिया रूपी पिशाच बैठा हुआ है तब तक ये भगवत भक्ति कैसे उदय हो सकता है हृदय में। लेकिन उन्होंने बोले देखो तुमने मंगलाचरण श्लोक में कोई अच्छी बात लिखनी चाहिए, और तुमने क्या बता दिया भुक्ति और मुक्ति, जिस मुक्ति को पाने के लिए ज्ञानी इतने कठोर साधन करते हैं जो मुक्ति को पाने के लिए, और तुमने क्या बता दिया पिशाच बता दिया तुमने, हा? उसको तुमने पिशाच बता दिया और कोई अच्छे शब्द नहीं दे पाए, ठीक है बाद में मेरे को देना मैं संशोधन कर दूंगा। जीव गोस्वामी उसी समय उनकी सेवा कर रहे थे, इतने में जीव गोस्वामी ने देखे ये गुरु जी का उसने ऐसे क्या देखा, बोले ग्रंथ संशोधन करेगा क्योंकि भ्रम किसका होता है, साधारण जीव के अंदर में चार तरह का दोष रहता है, तब पानी ले जाओ, चार तरह का उसमें दोष रहता है, क्या क्या दोष रहता है, नहीं आ सकता कहते भ्रम प्रमाद ठीक कर्णापाटक और विप्रलिप्सा। कहते ये बद्ध जीव में ये चार दोष रहता है, हाँ ये चार बद्ध जीव में रहता है, लेकिन जो मुक्त महापुरुष होते हैं उनका अंदर में ये चार दोष नहीं रहता है। भूल किसको होगा, जिसके अंदर भ्रम होगा, हाँ इंद्रिय की अपटता होगा उनका अंदर में ये दोष रहेगा, लेकिन मुक्त महापुरुष के अंदर में ये चार तरह का दोष कभी हो ही नहीं सकता। रूप गोस्वामी कौन है, ये रूपमंजरी है, ये रूपमंजरी है, इनके अंदर में कोई दोष हो ही नहीं सकते इनके अंदर में। जीव गोस्वामी ने कहा मेरे गुरुदेव का ग्रंथ में कहते ये दोष है, जीव गोस्वामी बहाना बनाकर चले गए, जाकर वो यमुना में गए थे श्री वल्लभाचार्य उनको पीछे पीछे गए, उन्होंने बोले आप जो बताया ग्रंथ को संशोधन करोगे आपने क्या देखा उसमें गलती, बोले उन्होंने मुक्ति को उन्होंने पिशाच शब्द प्रयोग किया है। तो उन्होंने कहा देखो आप लक्ष्य करके पढ़े नहीं, लक्ष्य करके सुने नहीं, उन्होंने मुक्ति को उन्होंने पिशाच नहीं बताए, उसका जो इच्छा को उन्होंने पिशाच ही बताए, उन्होंने उदाहरण दिया है, उन्होंने ये उदाहरण दिए किसको भूत लगे हुए कभी देखे हो, देखे हो कि नहीं भूत लगते हुए, देखना जिसको भूत लगता है वो क्या करता है, पांच पांच दस दस पंद्रह पंद्रह आदमी का खाना खा लेता है, इतना व्यक्तियों का खाना खा लेता है, लेकिन खाता तो इतना लोगों का, लेकिन उसको शरीर धीरे 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 दुबला पतला होता जाता है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले एक आदमी दस पंद्रह आदमी का खाना खा सकता है, नहीं खा सकता, फिर कौन खाता है, उसको अंदर में जो भूत बैठा हुआ ये सारे भूत को खाता है, बोले खाता तो इतना लेकिन उसका शरीर क्या होता है धीरे 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 दुबला पतला होता जाता है और एक दिन उसको खत्म कर देता है भूत। कहते उसी तरह श्री जीव गोस्वामी ने बताया जब तक हृदय में ये पिशाची स्प्रिया को उन्होंने पिशाच शब्द बताया, जब तक हृदय में ये भुक्ति और मुक्ति रूपी ये पिशाची बैठी होती होगी, बोले भैया जितने भक्ति क्यों नहीं कर ले। इसलिए आप देखना जो ब्रह्म ज्ञानी लोग है जो भगवान का निराकार निर्विशेष वो भी खूब स्तुति सब करते हैं, वो भी खूब पाठ पूजा करते हैं, वो भी खूब नाम सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं मिलता। बोले क्यों, उनके हृदय में ये मुक्ति रूपी पिशाच ही बैठा हुआ है, देखने में सब कुछ करते हैं लेकिन फल उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग भगवान के निराकार निर्विशेष मानते हैं, उनका जो फिलोसफी है वही ब्रह्म ही अभी ये राम और कृष्ण बन करके आ गए, ये राम और ये कृष्ण बन करके ब्रह्म ही आया कि उसको अभी माया पकड़ लिए,
ब्रह्म को माया पकड़ लिया, इसलिए वो ब्रह्म अभी कृष्ण राम बन करके आए। इनकी जब मुक्ति हो जाएगी ना, ये कृष्ण राम भी जाकर उसी ब्रह्म में, ये ब्रह्म कुमारी वाली कहते हैं, इसलिए वो ब्रह्म में जाकर को लीन हो जाएगी, लीन हो जाएगी। इसलिए भगवान की जो स्वरूप को, उनका जो लीला को ये अनित्य मानते हैं, ये लीला उनकी नित्य नहीं, क्योंकि वही ब्रह्म ही बन करके आया कृष्ण राम, कि चूंकि माया पकड़ लिया मुक्ति हो जाएगी तो ब्रह्म, इसलिए उनको कोई मुक्ति का कोई फल नहीं मिलता है। जब उन्होंने इसो बात बताए, जीव गोस्वामी ने इसो बात को बताए, बोले कहते ना उसमें श्री भागवत में बताए, तत्व पतंती अध अनादृत जुस्मद अंग्रयो, वो साधन करते हुए बड़ी श्रेष्ठ पद को पाने के बाद में भी भगवान का चरणों को अनादर करने का नाते तो पतंती अध, कहते उनको वहां से पतन हो जाता है, हैं? उनका पतन हो जाता है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, श्रेय सृष्टि भक्ति मुदस्य विभु क्लिशंति जे केवल बुद्ध लब्धय तेसाम एव क्लेशन अवशिष्यते यथा स्थूल तुषाभ गातिना। वो कहते हैं जैसे भूस होता है ना, जिससे चावल नहीं निकाल दिया गया, अगर उसको कूटो तो क्या होगा, अरे उसमें तो चावल निकल गया तो भूस है, उसको कूटने पर क्या होगा, भले जितने कूटते रहो उसमें चावल चावल निकलने वाले नहीं है। खैर उन्होंने जो इस बात को बताया ना, भैया हम तो गलती कर दिया, हमने बता दिया रूप गोस्वामी के ग्रंथ में भूल है, उन्होंने तो भूल नहीं है, सही है। फिर उन्होंने फिर दोबारा आए, तब उन्होंने पूछे आपको पास में जो छोटा बच्चा बैठा हुआ था कौन है, बोले ये मेरे शिष्य है, मेरे भाई का बच्चा ये मेरे शिष्य है। तब उन्होंने उन्होंने तो बताया ना, उन्होंने ये सब सिद्धांत को काट दिए, बोले ये तो बड़ा बुद्धिमान है, दिमाग बड़ा तेज है इसका, इसलिए आप जो लिखे है ना ये इसमें कोई गलती नहीं है, सही है। रूपो गोस्वामी तो समझ गए, रूपो गोस्वामी समझ गए, इसने जाकर कुछ खुरा बात किया है, इसलिए फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को, उन्होंने जीव गोस्वामी को बोले, बोले किसी वैष्णव को तो सम्मान देना नहीं जानते हो, अभी तेरे अंदर में अभिमान है, या तुम चले जाओ। वो जो बोल दे तुम चले जाओ, अभी जीव गोस्वामी दुखी होकर चले गए। अरे भय गाँव है, भय गाँव वही वह गाँव है, गुरु जी एक बार जब हम पहले पहले मथुरा में आए थे, एक बार गुरु जी हम सबको लेकर, सबको मतलब उसमें जैसे तीर्थ महाराज, माधव महाराज, प्रेमानंद प्रभु और बन महाराज, और मैं उमा देवी, सबको गाड़ी में लेकर गुरुदेव अलग वो स्थान पर गए थे, जहाँ पर गोपियों ने तपस्या की, तप भूमि है, जहाँ पर उन्होंने जिस जीव गोस्वामी कहाँ रहते थे, जहाँ पर मगरमच्छी है, जमुना में उसमें मगरमच्छी रहते थे, जहाँ पर मगरमच्छी देखना रेती में गड्ढे खोद देते थे, वो गड्ढे में जा कर के रहते थे जीव गोस्वामी। कहते वहीं पर रहते समय वो जैसे जो सठ संदर्भ है ना, किसको कहना है, वहीं पर रहते समय उन्होंने ये सठ संदर्भ ग्रंथों को वहीं पर बैठ बैठ कर ग्रंथों को लिखे, और गुरुदेव ने हमें थुत्कार दिया। इसी दुख में क्या करते थे, माधुकरी नहीं खाते थे, राखों में पानी में राख मिला करके उसको कभी कभी उसको भी पी लिया करते थे, मतलब इतने कठोर वैराग्य पूर्वक वहाँ रहते थे, ग्रंथों को लिखते थे, दिन भर रात भर होते थे। इतने में जब सनातन गोस्वामी वहाँ पर गए जब भिक्षा मांगने के लिए, तो बोले सनातन को गोस्वामी को बोले, यहाँ पर तो बहुत बड़े बाबा आए हुए हैं, बहुत बड़े बाबा, आप तो माधुपुरी लेकर खाना खाते हो, वो किससे मांगते नहीं, राख पानी में राख घोल करके उसको पी लेते, तो भैया ऐसे कौन व्यक्ति, अब राख खाकर हजम हो जाएगा पेट में, हजम नहीं हो सकता है, ऐसे कौन व्यक्ति भैया पानी में राख को घोल करके खा लेते हैं। बोले तो चलो देखने के लिए, जाकर देखा श्री जीव गोस्वामी है, तब उन्होंने ये सारी बात को बताए और उनको वापस लेकर के आए। फिर रूप गोस्वामी को बोले बताओ तो महाप्रभु ने क्या सिखा दिया, बोले जीवे दया कृष्ण नाम वैष्णव सेवन, बोले जीवे दया करने के लिए बताइए, जीव क्या जीव नहीं है, इसने क्या दोष किया, उसको ग्रहण करो। लेकिन रूप गोस्वामी तो उनको ऊपर से त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने जब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे थे, लेकिन सारे करेक्शन करने वाले श्री जीव गोस्वामी थे, क्योंकि बहुत विद्वान थे जीव गोस्वामी, प्रखर विद्वान थे, ये सारे ग्रंथों को यही करेक्शन करते थे, इसलिए रूप गोस्वामी बीच बीच में सोचते थे ये जीव चला गया, अभी ये ग्रंथों को कौन करेक्शन करेगा, लेकिन बीच बीच में उसको याद करते थे, जीव गोस्वामी को याद करते थे, फिर ग्रहण किया। कहते इसी विषय के ऊपर में कुछ लोगों का जीव गोस्वामी पर शंका है, बोले क्या शंका है, बोले जीव गोस्वामी
ये त्रिनाद भी सुनिच श्लोक कहो ये आदर्शन नहीं है। महाप्रभु जो शिक्षा दिया है जो तीन से ज्यादा दीन ही नहीं बनो, सहन शक्ति, सबको दूसरे को जथा जो के सम्मान दो, कभी कहते इनके अंदर में त्रिनाद भी सुख लोग नहीं, इसलिए उनको पर दोषारोप करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव कहते थे हमारे महाराज जी भक्तिवेद नारायण गोस्वामी महाराज इसको ये बोलते थे, बोले नहीं उनने सही सही गुरुदेव का सेवा किया। बोले कैसे, अगर शिष्यों के सामने कोई आ करके गुरु जी को परास्त कर रहे हैं, गुरु जी को दोष को कोई दिखा रहे हैं, कहते शिष्य कभी सहन कर सकता है? शिष्यों के सामने गुरु जी को कोई अपमान करे, कहते शिष्य कभी सहन कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य है जो गुरु जी को अगर कोई परास्त करता है, गुरु जी को कोई दोष दिखाता है, क्या करनी चाहिए? शास्त्र में तो बताया वैष्णव निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई वैष्णव का निंदा करता है इसका जीवा काट दो, शास्त्र ने बताया जीवा काट दो। हाँ बोले जीवा काट दो मतलब एक तो जीवा को काट दो, दूसरा है शास्त्र को द्वारा उसका जीवा को स्तब्धभूत कर दो, उसको जीवा को बंद करा दो है, और स्वस्त्र को साथ में वस्त्र को साथ में जाकर गंगा में स्नान करो अगर किसी वैष्णव का कोई निंदा सुना तो। ये है इसलिए जीव गोस्वामी ने जो काम किया है गुरु जी को उन्होंने महिमा बढ़ाया है, गुरु जी को महिमा उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने त्रिनादपि, यही त्रिनादपि सुनिचो का मतलब है। त्रिनादपि सुनिचो ये नहीं कोई गुरु जी की निंदा कर रहे, कोई वैष्णव का निंदा कर रहे सुन गए, नहीं त्रिनादपि बननी चाहिए, महाप्रभु को सीखा ना त्रिनि से, बोले नहीं ये अपराध हो गया तुम्हारे। त्रिनादपि सुनिचो उसी कहते हैं जब गुरु वर्ग का सिद्धांत को जब कोई स्थापन करे, ऐसे नहीं कान में अंगुल डालकर भाग जाए वहां से, नहीं इसको त्रिनादपि सुनिचो नहीं कहते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी ने जो आदर्श दिखाया सही उन्होंने त्रिनादपि सुनिचो के श्लोक का सही सही जीवन में आचरण में लाया, नहीं तो फिर रूप गोस्वामी को स्मरण क्यों करते थे, फिर सनातन गोस्वामी उनको लेकर के आए क्यों, और उसी अवस्था में वहां पर गए और जाकर उन्होंने ये सर्वश्रेष्ठ संदर्भ को, छह संदर्भ को वहीं बैठ बैठ कर उन्होंने वहां पर लिखा। इसलिए उनने को इनको पर दूसरी अपवाद है, बोले क्या अपवाद है, कहते श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखे, ये जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ये एक अद्भुत ग्रंथ है हमारे संप्रदाय में। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे एक समय सारे शिष्यों को उन्होंने प्रश्न किया, बोले ऐसे कौन सा ग्रंथ है अगर दुनिया से सारे ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाए, लेकिन ऐसे कौन सा एक ग्रंथ जगत में रहे जो एक ग्रंथ सारे ग्रंथ का अभाव पूर्ण करेगा। शिष्यों को उन्होंने पूछे, कोई बोले वेद, कोई बोले भागवत, कोई बोले गीता, लेकिन प्रभुपाद कहते नहीं, कहते ये चैतन्य चरितामृत है। अगर ये एक ग्रंथ अगर ये जगत में रह जाए तो सारे ग्रंथ के अभाव को एक ही ग्रंथ पूरी करेगा। इतने अद्भुत ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ है, जिसके लिए वो कहते हैं कृष्णदास कविराज रसेरा भंडारी जतने राखिल प्रेम प्रेम कुंभ भारी। इसके लिए उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी रस का भंडारी है, उन्होंने एक सुंदर सोने की कलसी में उन्होंने क्या किया, जतन करके उन्होंने सारे कृष्ण प्रेम को उन्होंने जतन करके उसके अंदर में रख लिया है, जतन करके रखा है। इसलिए कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखे, कहते किस किस लोग अपवाद है, चले जीव गोस्वामी ने देखा, अरे कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने सुंदर ग्रंथ लिखे, भैया फिर मेरे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा, मेरे ग्रंथ को कौन पढ़ेगा सर संदर्भ को। इसलिए उन्होंने ईर्षान्वित होकर के उन्होंने क्या किया था, चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को कुएं में फेंक दिया था। मतलब कुछ लोग जो कुछ साजिया लोग है इस बात को कहते हैं, इस बात को कहते हैं है? इसलिए उनका कोई एक शिष्य था जिसका नाम था मुकुंद, उसने ये चैतन्य चरितामृत ग्रंथों को पहले से ही उन्होंने लिख करके किसी ग्रंथ में रखे थे, इसलिए जगत पे प्रचार हो गया। कुछ लोगों का ही कहना है, बोले नहीं कभी ऐसे हो नहीं सकता है, है? इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जीव गोस्वामी रहते समय उन्होंने ग्रंथ को लिखे और उन्होंने जीव गोस्वामी को प्रणाम किया है, जीव गोस्वामी को उन्होंने प्रणाम किया है। और जीव गोस्वामी कौन, जीव नहीं, जीव गोस्वामी जीव नहीं, कौन है, कहते हैं विलास मंजरी है,
राधा रानी की एक प्रिय सखी है जीव गोस्वामी, हाँ, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो भी एक मंजरी है। कहते ईर्षा द्वेष कब हृदय में रहता है, जब हृदय में अनर्थ अवस्था में, ये सब ईर्षा द्वेष अनर्थ अवस्था में रहते हैं। और अनर्थ कब नष्ट हो जाता है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया और चतुर्थ स्टेज में अनर्थ नहीं रहते, अनर्थ नहीं, चतुर्थ स्टेज में उसके बाद में रुचि निष्ठा आसक्ति भाव और प्रेम, ये प्रेम कितने उच्ची अवस्था। और ये लोगों ने ये सब के सब से राधात्मिका भक्ति राधा रानी की सब के सब नित्य जन है। और महाप्रभु इनको इस जगत में भेज करके एक एक इच्छा को उन्होंने पूरी की। इनके हृदय में ईर्षा द्वेष कला इनके हृदय में नहीं, इसलिए ये जो अपवाद है ये गुरुदेव कर दिए वृथा अपवाद है। और इनके ऊपर में तीसरा अपवाद है, कहते वो क्या है, कहते श्री जीव गोस्वामी कहते महाप्रभु को जो धारा है, जो रूपानुगत धारा है, हैं जो पर किया जो भाव है, हैं महाप्रभु कहते ना जय जय ज्वल रस सर्वर ससार पर किया भावे जहा प्रजत प्रचार। कहते ये जीव गोस्वामी पर किया रस को स्थापन नहीं किया है, ये पर किया रस के भक्त नहीं है, ये तो उन्होंने ये सकिया रस को स्थापन किया। इसलिए श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में, हाँ गोपाल चंपू ग्रंथ में उन्होंने पर किया, आप समझते हो पर किया सकिया क्या होता है, पर किया सकिया क्या समझते समझते कि नहीं। इसलिए सकिया होता है जो अपना पत्नी को साथ में रह करके जो पति पत्नी में जो प्रेम होता है, पर किया कहते हैं बगर शादी का जो प्रेम होता है उसको पर किया कहते हैं, हाँ? इसलिए कहते उन्होंने तो पर किया भाव को स्थापन किया नहीं, सकिया भाव को स्थापन किया, हाँ जैसे पति पत्नी राधा कृष्ण शादी होने पर जो भावना है उसी चीज को स्थापन किया है, हाँ? इसलिए उन्होंने परिक्रिया रस को स्थापन नहीं किया। उनको पर कुछ कुछ लोगों का ये उनको पर में उल्टा धारणा है, बोले नहीं ऐसे नहीं है, बोले क्यों प्रश्न है, फिर जीव गोस्वामी फिर ये सकियावाद को क्यों स्थापन किया पत्नी पत्नी भाव, कारण है जीव गोस्वामी हमारे संप्रदाय का ये सिद्धांत का आचार्य है, उस सिद्धांत को स्थापन करने वाले। कहते कुछ कुछ जगत में लोग ऐसे है, जैसे अभी कुछ कुछ लोग कहते हैं अरे कृष्ण ने क्या किया पराए, हाँ सब स्त्रियों को लेकर के नाच नचे गोपियों को लेकर के शादी किए नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति क्या कहता है केवल पत्नी पति को साथ में ही रह सकती है, पति पत्नी को साथ में रह सकते हैं, बगैर शादी करके जो करते हैं ये भ्रष्टाचार, ये व्यभिचार है, हाँ ये व्यभिचार है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी संप्रदाय का तत्वाचार्य है, ये तत्वाचार्य होने का नाते कहीं जो साधारण व्यक्ति कहीं ये अपराध कर नहीं डाले, भगवान की जो दिव्य लीला है इसको कोई अपराध कर नहीं डाले, इसलिए साधारण व्यक्तियों को मुंह को बंद करने के लिए उन्होंने ये सखिया भाव को स्थापन किया। जैसे कृष्ण भांडेरी भट्ट में जैसे वहाँ शादी करते हैं राधा जी के साथ में, जैसे नंदगांव बरसाना बीच में जो संकेत है वहाँ पर भी उन्होंने के शादी होती है, वहाँ पर है वहाँ पर भी शादी किए हैं, ये सब चीज उन्होंने दिखाया, कारण है साधारण लोग इनके चरण में कोई अपराध करने ही डाले, ये उद्देश्य में उन्होंने सब काम किए है, हैं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ये पर किया महाप्रभु धारा ये जीव ये रूप गोस्वामी की परंपरा में ही ये श्रील जीव गोस्वामी है, हैं। कहते श्रील जीव गोस्वामी विशेष करके इनकी तीन शिष्य हुए, कौन कौन हुए है नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास, कहते ये तीनों कोई इनका शिष्य नहीं थे, ये तीनों दूसरे दूसरे के सब के सब शिष्य है, हैं। कहते नरोत्तम दास ठाकुर का गुरुदेव कौन थे, कौन थे लोकनाथ दास गोस्वामी, हैं। कहते श्री नरोत्तम श्यामानंद प्रभु का गुरुदेव कौन थे, हृदय चैतन्य, सब नरोत्तम श्याम श्रीनिवास प्रभु का गुरुदेव कौन थे, गोपाल भट्ट। कहते ये जो तीनों जो शिष्य थे ना ये इनके कोई शिष्य थे नहीं, ये दूसरे के शिष्य थे, लेकिन ये तीनों ने इनकी अनुगत्य में उन्होंने सारे भजन शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया, भजन शिक्षा को उन्होंने प्राप्त किया। इसलिए गुरुदेव बोलते थे शिष्य दो तरह का है, एक परकिया और एक सकिया है, सकिया मतलब जो गुरु जी से जो हरिनाम ग्रहण करके जो दीक्षा मंत्र ली, पर क्या मतलब क्या होता है
शिष्यता नहीं है, शिष्यता नहीं है, दूसरों का शिष्य है, इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जैसे हम लोगों को ना, मैं जैसे मैं था, जैसे माधव प्रिय प्रभु थे, हमारे कृष्ण कृपा प्रभु थे, सिद्धार्थ महाराज थे, जो दूसरे दूसरे थे, गुरुदेव कभी कभी कहते थे ये हमारे सबके सब परिज्ञा शिष्य है, गुरुदेव कहते हैं परिज्ञा शिष्य है, गुरुदेव कभी कभी कहते थे, कहते मेरे शिष्य से ही अच्छे हैं, गुरुदेव कहते, बोले क्यों कहते थे, बोले एक शिष्य को तो पालना, उसको पालन करना पड़ता है, पालन करो फिर जाकर के सेवा करता है, लेकिन हमारा कोई शिष्य ये है नहीं, लेकिन मेरे शिष्य से ज़्यादा जो सेवा करने वाले यही है, हैं तो ये लोग ज़्यादा सेवा करने वाले यही लोग ही हमारी सारी सेवा करते हैं, इसलिए हमारे महाराज भी ये चीज़ को ना बहुत अच्छे तरह से दिखा कर गए, इसलिए मैं हमारे महाराज के लिए हम जीव गोस्वामी का उदाहरण हम देते हैं, हमें जीव गोस्वामी का उदाहरण देते हैं, जैसे इसलिए जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन उनको अपना पास में रखे और उनको पूरा जीव गोस्वामी ने सारे सिद्धांत तत्व सब के सब इनको अध्ययन कराया, और अध्ययन करा के उन्होंने क्या किया, फिर ये तीनों को तीन दिशाओं में भेजा है, कहते श्री नरोत्तम दास ठाकुर को मणिपुर में भेजा, श्रीनिवास आचार्य को उन्होंने भेजा बंगाल में, और श्यामानंद प्रभु को भेजा उड़ीसा में, उन्होंने तीनों को उन्होंने तीन दिशा में भेजे, और भेज करके उन्होंने सारे महाप्रभु का जो शुद्ध विमल प्रेम को उन्होंने सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार किया है। उसी तरह हमारे महाराज को भी देखो, देखो उनको, उनका जितने परिज्ञा शिष्य है वो अभी सारा दुनिया में वही प्रचार कर रहे हैं, उनका सारे परिज्ञा शिष्य ही प्रचार कर रहे हैं, जैसे हम सिद्धार्थ महाराज को देखो अभी सारा विदेश में, देश में विदेश में इधर प्रचार कर रहे हैं, और मैं भी महाराज का हाँ पास में जाकर सब सब सीखे, अभी मेरे से जितना दूर होता मैं प्रचार करता हूँ, मैं भी प्रचार करता हूँ, और श्री माधव प्रिय प्रभु देखो वो भी प्रचार कर रहे हैं, यथाशक्ति प्रचार कर रहे हैं, और देखो श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का जितने शिष्य थे हैं, जैसे श्याम रानी दीदी है, जैसे पद्मनाभ महाराज है, नेमी महाराज है, बैखानस महाराज है, देखो ये लोग भी सारा दुनिया में, हाँ संपूर्ण दुनिया में यही लोग जाकर के प्रचार कर रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का जितने परिज्ञा शिष्य थे ना, हाँ जितने परिज्ञा शिष्य जीव गोस्वामी सर्वत्र जैसे भेज करके, उनका शिष्य भी सर्वत्र जा जा करके महाप्रभु का वाणी को सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं, इसलिए श्री जीव गोस्वामी जब उन्होंने ये तीनों को हैं, उनने जब ग्रंथ गोस्वामी जो ग्रंथ था, गोस्वामी जो लोगों ने जो ग्रंथ उसको उन्होंने देखा, उसको प्रचार करनी चाहिए गोस्वामी ग्रंथ, इसलिए ग्रंथों को जीव गोस्वामी प्रकाश करके उन्होंने क्या किया, ये नरोत्तम श्यामानंद इनको दे करके उन्होंने क्या भेजा, बोले जाओ इसको जाओ प्रचार करो। जब ये ग्रंथों को ले जा रहे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन उन्होंने जब पहुंचे कौन सा गांव में, हाँ वन विष्णुपुर है, वहां पर एक चोर था, डाकू का सरदार था, जिसका नाम था वीर हमीर है, वो डाकुओं का सरदार था, वो क्या करता था, डाकुओं को भेज करके उसने सारे लूटपाट करता था, और उसको पास में एक ज्योतिष रहता था, वो ज्योतिष सारे बातों को बताता था, ऐसे ऐसे पहले गणक होते थे, ज्योतिष ने कहा देखो तेरे देश में ना बड़े भाग्य उदय होने वाले, बहुत बड़े तुम्हारी भाग्य उदय होने वाले, कुछ हाँ व्यक्ति होने, कुछ एक बक्सों के अंदर में दिव्य दिव्य रत्न लेकर के आ रहे हैं, दिव्य रत्न उसके अंदर में, अगर तू उसको चोरी कर लोगे ना, तुम्हारी भाग्य जो रेखा कहता है तुम्हारा ज्योतिष का, तुम्हारा पूरा देश का भाग्य ही बदल जाएगा। अभी बोले उसको दिव्य रत्न है, बोले कहाँ पर, बोले तुम्हारे देश में प्रवेश कर रहे। जब इन लोगों ने बैलगाड़ी में बक्सों के अंदर में भर करके ग्रंथ ले जा रहे थे, जब रख करके रात को विश्राम किए, बस उन्होंने भेज दिया डाकुओं को, डाकुओं ने क्या किया, पूरा के पूरा बक्सों उठा करके लेकर के आ गए। जब लेकर के आए वो बक्सों खोले, दिव्य रत्न होगा, देखा रत्न फत्न कुछ नहीं, खाली पुस्तक पुस्तक है, पुस्तक पुस्तक। बोले भैया तुमने कैसे बता दिया ऐसे दिव्य रत्न, बोले ज्योतिष यही बता रहा था, हमारा गण ने यही बता दिया दिव्य रत्न है, हाँ और बोल रहा था तुम्हारे देश का बोले कल्याण, तेरा भी कल्याण होने वाले, अभी कल्याण कैसे होगा, अभी उनको पता ही नहीं चला। अभी ये गोस्वामी लोग तो इतने दुखी हो गए, कहा
गोस्वामी का ग्रंथ कितने कष्ट से प्रकाशन किया, ये ग्रंथों को हम प्रचार करना चाहते, बीच में चोरी, बड़े दुखी हो गए। जो दुखी हो गए इतने में जो श्रीनिवास प्रभु जी है, श्रीनिवास आचार्य, अभी वो ग्रंथ ढूंढते ढूंढते कैसे वो राजा का राज्य में आ गए और वहां रहते थे। जब रहते थे लेकिन राजा तो था सर गुंडा और डाकू का सरदार, लेकिन वहां नित्य नियमित भागवत कथा सुनता था, पंडित लोग भागवत कथा सुनाया करते थे। और एक दिन वो पंडित गोपी गीत सुना रहा था, उसमें श्रीनिवास आचार्य वही पर आए, देखा ये गोपी गीत सुना, पंडितों को क्या पता गोपी गीत क्या होता है, हाँ साधारण रूप में तो बोलते अर्थ उसका आखिर के अर्थ करते हैं, लेकिन वो प्रेम का हाँ गोपी गीत, वो प्रेम का गीत उनको क्या पता है। एक दिन इन्होंने बताए, आपको क्या मेरे प्रति आदेश होगा, एक दिन मैं भी ये गोपी गीत को व्याख्या कर सकता हूँ, पाठ कर सकता हूँ। बोले अच्छी बात है, आप भी कथा सुना सकते हो। उन्होंने गोपी गीत को उन्होंने पाठ की, इसलिए गोपी गीत को जिसको भी सुना चकर ठाकुर, उन्होंने दो तरह का अर्थ बताया है, एक अन्य रूप में और एक व्यक्तिगत रूप में। एक रूप में तो कृष्ण का प्रशंसा है और दूसरे रूप में कृष्ण की बेजस्तुति है, हाँ बेजस्तुति है, ऊपर में निंदा लगता है लेकिन स्तुति पर गए। उन्होंने जब उन्होंने गोपी गीत को पाठ सुनाए, हाँ उन्होंने जीव गोस्वामी अनुगत्य में सारे ग्रंथ को पढ़े हुए, जीव गोस्वामी अनुगत्य में जब उन्होंने गोपी गीत को उन्होंने कृष्ण की गोपियों की विरह की बात सुनाए ना, जितने राजा जितने वहां पर मंत्री और जितने वहां पर लोग थे ना, जब तक ये कथा सुनाते रहे सब के सब रोते रहे। और उन्होंने क्या दिव्य एक एक शब्द का क्या अर्थ कर रहे थे, क्या दिव्य अर्थ कर रहे थे, सुन करके बोले बाबा रे इतने सुंदर कथा हमने तो कभी सुना ही नहीं, इतने सुंदर कथा। एक दिन राजा देखने के लिए गया, वो बाबा कर रहे गया, वो देखने के लिए गए तो देखे रो रहे थे। बोले बाबा अब रो रहे थे क्यों, बोले ऐसे ऐसे श्री जीव गोस्वामी उन्होंने जगत में महाप्रभु का वाणी प्रचार हो, महाप्रभु का भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आशीर्जत नगरा दि ग्राम और सर्वत्र प्रचार है ये मरना, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है, इसलिए महाप्रभु का भविष्यवाणी को प्रचार करने के लिए उन्होंने ग्रंथ प्रकाशन करके भेजा। लेकिन जब आपका राज्य में हमने प्रवेश की, वो ग्रंथ समेत बाक्स कहीं हमारी चोरी हो गई। चोरी ने ये बात बताए ना, राजा ने उनका चरण में गिर पड़े, उनका चरण में गिर पड़े, बोले ये काम मैं नहीं किया है, मेरी अपराध हो गए, मेरे को जो पता नहीं था, गणक ने ये बताया एक दिव्य रत्न बक्स में आ रहे हैं, अगर ये बक्स का तो चोरी कर लोगे ना तुम्हारे देश का कल्याण कल्याण हो जाएगा। सचमुच बात सही था, वो बक्स को चुराया तभी आपका जैसे संतों का कथा और दर्शन प्राप्त हुआ है। फिर उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए, पूरा परिवार को साथ में, राज्य के लोग दीक्षा मंत्र लिए और उनका शिष्य बने, फिर उनको गुरु बनाए, वाह राजा का जय जय जयकारा हो गया पूरा पूरा, हाँ वाह उसका जीवन ही बदल गया है। फिर राजा ने उनको जितना जता सकते उन्होंने भक्ति के प्रचार करने के लिए उन्होंने उनको मदद किया। फिर सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी सारा दुनिया में प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ये तीनों को तीन दिशा में भेजे, जो भेजे श्री नरोत्तमदास ठाकुर गए कहाँ, मणिपुर में गए, उन्होंने तो पहले राजा को पकड़े, मणिपुर राजा को पहले उन्होंने शिष्य बनाए। अगर देश का राजा शिष्य बन जाए ना फिर क्या होता है, प्रजा अपनिया बन जाते हैं। उनके विशाल इतने प्रचार है ना, श्री नरोत्तमदास ठाकुर के इतने विशाल प्रचार है, वहां पर महाप्रभु का मंदिर है, जब महाप्रभु का आरती होती है ना 108 मृदंग एक साथ में बजती है। अब देखना यहाँ दो मृदंग बजता छत पड़ जाएगी, और जहाँ पर 108 मृदंग एक साथ में बजेगी और जहाँ पर महाप्रभु का आरती होगी 108 मृदंग के द्वारा, अब समझो उनकी इतने प्रभाव है। नरोत्तमदास ठाकुर कितना साल पहले आए, लेकिन अभी भी मणिपुर में अब देखोगे माताएं ऊपर का जो ड्रेस है लाल ड्रेस है, अंदर का सफेद ड्रेस है, हाँ अभी भी उनको देश में मतलब नरोत्तमदास ठाकुर ऐसे छाप छोड़ कर गए, गला में कंठी ऐसे तिलक, और हमारा जो ये तिलक है ना ये कौन सा था, ये नरोत्तमदास ठाकुर का तिलक, हमारे तिलक ये नरोत्तमदास ठाकुर का तिलक हमारी है। इसलिए उन्होंने ऐसे मणिपुर में छाप छोड़ कर गए, पूरा मणिपुर को उन्होंने पूरा महाप्रभु का भक्ति रस में सराबर उन्होंने कर दिए।
इसलिए उधर भेजे, और एक को भेजे श्री श्यामानंद प्रभु को भेजे उड़ीसा में, इसलिए उन्होंने उड़ीसा में ऐसे भेजे। अभी भी वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हम लोग गए थे, उनको कहाँ पर उन्होंने भजन किया, उनका जो विग्रह कहाँ पर स्थापन किया, हाँ बड़ा मेला लगता है। इसलिए अभी भी उन्होंने ऐसे छाप छोड़ कर गए, इसलिए जीव गोस्वामी तीनों को ऐसे तीन दिशा में उन्होंने भेजे, तीन दिशा में भेजे तीनों ने, पूरा दुनिया में बाहर कृष्ण प्रेम की बाढ़ उन्होंने पूरा दुनिया में ले आए। इसलिए कहते श्री जीव गोस्वामी इनकी ग्रंथ एक है, उन्होंने तो 25 ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशन किया है। कहते कौन सा ग्रंथ है, कहते पहला नंबर है श्री हरिनामृत व्याकरण। कहते ये हरिनामृत व्याकरण उन्होंने क्यों लिखे, कहते ग्रंथ आया कहाँ से, तो उसके लिए बताते हैं जब श्री महाप्रभु गया गए, जब गया यात्रा में गए और तब अपना गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी से मिले, अब महाप्रभु बोले, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जब तक क्षण देखिला में चरण तुम्हारे। आज गया यात्रा हमारी सार्थक हो गई क्योंकि हमने जब तक आपका श्री चरण को दर्शन की हैं, बोले पिंड पितृ पिंड दिले तर सही जान तुमा दर्शन मात्र कोटि पितृगण सही खड़े भवबंध है विमोचन अतएव तीर्थ न है तुम्हारे समान। महाप्रभु कहते हैं जो व्यक्ति पिंड देने जाते हैं, जिनकी उद्देश्य में पिंड प्रदान करते केवल उनका ही कल्याण होता है और किसी का कल्याण नहीं होता है। लेकिन कहते तुम आज दर्शन मात्र कोटि पितृगण, जब भी शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है, कहते आपका दर्शन मात्र से ही कोटि पितृगण सही खड़े भवबंध पाए विमोचन, कोटि पितृपुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अतएव तीर्थ न है तुम्हारे समान। ये तीर्थ किसी वैष्णव को साथ में तीर्थों को बराबर कर ही नहीं सकते हैं। जब वहां पर महाप्रभु अपना गुरुपाद पद्म से दीक्षा मंत्र ग्रहण करके आए, अरे महाप्रभु पंडित निमाय नहीं, अभी हो गए प्रेमी की निमाय हो गए। जब उन्हें गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गए, महाप्रभु स्वयं टीचर थे, जब महाप्रभु स्वयं पढ़ाने के लिए बच्चों को गए ना, बस उन्होंने सूत्र वृत्ति टीका सकल हरिनाम, उन्होंने सूत्र वृत्ति टीका को सब केवल हरिनाम में व्याख्या किया। बोले ये धातु क्या है, बोले भगवान धातु रूप में अंदर में बैठे हुए हैं, वो धातु है शरीर है, धातु निकल जाए बातचीत पात है। इसलिए कहते संधि क्या है, बोले भगवान का चरण और मन, ये दोनों संधि हो जाए बस, इसके द्वारा जीव का कल्याण हो जाएगा। हाँ, इसलिए उन्होंने हरिनामृत व्याकरण में उन्होंने सारी चीज को उन्होंने व्याख्या किए, धातु किया, संधि किया, सर्वेश्वर किया, विष्णु जन किया, अद्भुत रूप में। इसलिए महाप्रभु सूत्र वित्ती टीका में पूरा के पूरा हरिनाम हरिनाम व्याख्या किया, केवल हरिनाम पर व्याख्या किया। तब शिष्यों ने कहा, जितना शिष्य लोग थे उनको जो महाप्रभु का गुरु जी के पास में जाकर के बोले, जे पता नहीं ये निमाय पंडित जब से गया से आए वो सब केवल भगवान का नाम, केवल ठाकुर का नाम, नाम पर व्याख्या करता है, हैं? गुरु जी के पास में बोले। इतने में गुरु जी आकर के महाप्रभु को समझा, बोले बेटा तेरे को मैंने इतने लिखाया बढ़ाया सब कुछ सीखा किया, बच्चों को पढ़ाया करो, इससे बड़ा चीज जगत में कुछ नहीं। अरे महाप्रभु दूसरे जब दिन आए, बोले जगत में से कौन व्यक्ति है मेरे व्याख्या को खंडन कर सकता है, उनको बुला मेरे सामने, मैं जो व्याख्या कर रहा हूँ इसके ऊपर कौन है इसे व्याख्या कर सकते है, इसको कौन गलत रूप में महाप्रभु चैलेंज करते हैं। कहते हैं जितने सूत्र वित्ती टीका में सब हरिनाम है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी हैं कहते ये ग्रंथ को इसी चीज को आधार किया, कौन सनातन गोस्वामी, महाप्रभु जो सूत्र वित्ती टीका में हरिनाम व्याख्या उसको आधार करके श्री सनातन गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम लघु व्याकरण था, हैं? लघु वो था जो हरिनाम व्याकरण लघु। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने देखा जो भक्ति जगत में आएंगे, हैं? जैसे सारी गीता भागवत पुराण वेद सब संस्कृत भाषा में, अभी संस्कृत ज्ञान होनी चाहिए, जो जैसे जो भजन करने के लिए आएंगे उनको तो जो 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 पाणिनी जो व्याकरण है अयो रिलीक अयो जय वरट गणन ऐसे ऐसे उनका सब सूत्र है जिसमें कोई भगवान का नाम गंध नहीं। लेकिन जो भगवान की भक्ति में आएंगे उनको तो ये सब चीज भक्ति का अनुकूल नहीं प्रतिकूल है, उनको तो केवल भगवान का नाम ही उनको प्यारा है। फिर अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे फिर शास्त्र ग्रंथ तो अंतर्ध्यान हो जाएगा,
सारे शास्त्र ग्रंथ अंतर ध्यान हो जाएगी, फिर ये लोग क्या करेंगे। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी तो लिखे, लेकिन उनको श्री जीव गोस्वामी फिर उन्होंने इसको विस्तृत रूप में बढ़िया करके उन्होंने ये हरिनामृत व्याकरण को उन्होंने बनाया। हाँ, जिसमें अद्भुत रूप में वो पहला जो श्लोक है ना, नारायणात उद्भूत अयम वर्ण क्रम, वो पहला सूत्र है इनकी। बोले मतलब है ये वर्ण और क्रम, वर्ण मतलब अ आ ई उ री ली ली, जितना सब ये है, कहते वर्ण और क्रम, मतलब अ के बाद में आ क्यों, आ के बाद में ई क्यों, ई के बाद में उ क्यों, उ के बाद में ए क्यों, उसके बाद औ क्यों, हाँ, उसको एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बताया है, इसका क्यों, ये कहाँ से निकला है। बोले नारायणात उद्भूत अयम, ये भगवान से ही सारे वर्ण क्रम भगवान से। और जीव गोस्वामी क्या उन्होंने उदाहरण देते हैं, एक को सर्वेश्वर एक विष्णुजन नाम देते हैं। बोले सर्वेश्वर किसका नाम देते हैं, बोले अ से लेकर के औ तक उसका नाम सर्वेश्वर नाम दिया, और क से लेकर ख्य तक उसका नाम विष्णुजन नाम दिया। बोले ऐसे क्यों नाम दिया, बोले उन्होंने जो व्याकरण बनाया ना, बोले सर्वेश्वर कौन है, बोले कृष्ण, कृष्ण सर्वेश्वर है, कहते ना ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण कौन है, बोले कृष्ण, ये सर्व कारण कारण है होने का नाते, जैसे अ आ ई यू देखना किसी अक्षर का मदद नहीं लेता है, अ आ ई यू किसी और किसी को नहीं लेता है, लेकिन क से ख्य तक क्या नाम रखा, विष्णुजन, विष्णुजन मतलब भगवान का सेवक, भगवान सेवक क्या करते, किसका आश्रय लेते हैं, ठाकुर जी की, ये क अकेला उच्चारण नहीं होता है, अ का आश्रय करता है, ख ग घ च इसमें क्या अ आता है ना, हाँ क उसका तो अ आता है, हैं अ कौन है, ये सर्वेश्वर कृष्ण, ये विष्णुजन, विष्णुजन मतलब विष्णु का जो अधीन में रहे, मतलब ये सबके सब भगवान के सेवक हैं। मतलब उन्होंने ऐसे हरि खड़गा हरि बेणब हरि कमल, उन्होंने ऐसे ऐसे नाम दिया जीव गोस्वामी, ऐसे उन्होंने ग्रंथ लिखे। अगर तुम व्याकरण पढ़ोगे ना, व्याकरण भी पढ़ना हो जाएगा, मतलब क्या बुद्धि लगाए, मतलब व्याकरण भी पढ़ना हो जाएगा, ग्रामर भी, और भगवान का नाम भी हो जाएगा, इधर भगवान का नाम भी हो रहा है और इधर व्याकरण पढ़ाई हो, मतलब ऐसे अद्भुत ग्रंथ उन्होंने लिखे श्री जीव गोस्वामी, अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं। इसलिए ग्रंथ हमारे संप्रदाय के लिए एक अनमोल रत्न है, ये अनमोल रत्न श्री हरिनामृत व्याकरण है। इसलिए ये ग्रंथ उन्होंने ग्रंथ भी लिखे, इसलिए कहते इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल निर्मणि इसका टीका लिखा, और जो टीका उन्होंने लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु है, कहते इसका जो टीका है उसका नाम रखा दुर्गम संगमिनी, भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि वो भक्ति रस की समुद्र है, इसलिए उसको टीका का नाम दुर्गम संगमिनी लिखा। दुर्गम मतलब होता है जो जिसको अंदर में दुर्गम, समझ रहे ना, अत्यंत अत्यंत दुर्गम है, लेकिन संगमिनी मतलब होता है जिसको उसको जैसे कोई जैसे ब्रिज होता है ना, ब्रिज होता है, अभी वो जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है उसके अंदर में अगर प्रवेश करना चाहते हो कैसे तो प्रवेश कर सकते हो, उनने जो टीका लिखी, मतलब ये टीका को अगर आश्रय करोगे ना बस दुर्गम का प्रवेश कर सकते हो। फिर जो उज्ज्वल निर्मणि उसका टीका लिखे लोचन रोचनी, लोचन मतलब होता है आँख, रोचनी मतलब होता है आँख को जो आनंद प्रदान करे, ये आँख को जो आनंद प्रदान, इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या लिखे, हाँ गायत्री मंत्र की उन्होंने व्याख्या लिखे। ऐसे ही इन्होंने 25 ग्रंथ करकर लिखे हैं, कहते श्री सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णार्थ दीपिका और गोविंद बिरुदावली, हाँ रसामृत, माधव महोत्सव, संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापन टीका, ब्रह्म संहिता टीका, रसामृत टीका, उज्ज्वल निर्मणि टीका, हाँ जोग सार स्तबकर टीका, अग्नि पुराणस्थ गायत्री व्याख्या, पद्म पुराण तक कृष्ण पदचिन्ह, राधा रानी का पदचिन्ह, ये सब ऐसे ऐसे करके उन्होंने 25 ग्रंथ जीव गोस्वामी ने 25 ग्रंथ उन्होंने लिखे। और उन्होंने जो गोपाल चंपू ग्रंथ लिखे ये अद्भुत ग्रंथ है, गोपाल चंपू जो ग्रंथ लिखे ना ये अद्भुत ग्रंथ। कृष्ण कथा तो हम दशम स्कंध में कृष्ण कथा पढ़ते हैं, हाँ कृष्ण कथा तो पढ़ते ही हैं, लेकिन उन्होंने जो गोपाल चंपू ग्रंथ लिखे उन्होंने अद्भुत अद्भुत। और उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी
भागवत जो बोल रहे थे वो कैसे बोल रहे थे, जैसे टीवी होता है ना, टीवी में जैसे सीरियल आता है, जैसे उसको देखते जब उन्होंने ग्रंथ लिखे, वो कैसे ग्रंथ लिखते हैं, जब टीवी में जैसे सीरियल आती है, कहते ना प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन ना, भक्त रूपी अंजन जब लगाते हैं उनके हृदय में टीवी में जैसे सीरियल आ रही है और वो बोलते जा रहे हैं। लेकिन भावावेश में आकर के जो लीला को पहले बोलना चाहिए था उसको बाद में बोल दिया, और जिसको बाद में बोलना चाहिए थे ना उनने उसको पहले बोल दिया। उनने कहां पर उन्होंने क्रम को भंग किया, सुखदेव गोस्वामी जो लीला पहले बाद में, बाद का लीला पहले, जीव गोस्वामी पकड़ दे, बोले नहीं ये लीला कृष्ण पहले किया और कृष्ण ये लीला को बाद में दिया। अभी ये बात कौन बता सकता है, ये बात को सभी नहीं बता सकते हैं, कौन बता सकता जो कृष्ण लीला में है, क्योंकि कृष्ण का ये विलास मंजरी है ना, वो मंजरी है, इसलिए मंजरी होने का तो वहीं पर थे, वो वहीं पर थे, इसलिए पता कृष्ण पहले किया क्या बाद में क्या उनको बताए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भावावेश में कहा करके क्रम को भंग कर देते हैं, कहते ये चीज वो श्री जीव गोस्वामी निरूपण करते हैं। और श्री जीव गोस्वामी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी, इनके जीव गोस्वामी की कहते गोपी गीत के ऊपर टीका भी इनकी है, है? इनकी टीका भी श्री जीव गोस्वामी की, और गोपाल चंपू में भागवत दशम स्कंध में तो कृष्ण लीला है ही है, हैं? लेकिन इसे जीव गोस्वामी नए नए कृष्ण की सुंदर सुंदर कृष्ण लीला वर्णन करते हैं। मधुकंठ और सिद्धकंठ ये कौन है, जमलार्जुन, ये मधुकंठ और सिद्धकंठ बने, और ये दोनों गोलोक वृंदावन में एक तब सबरे उनका बाल्य चरित्र है और एक शाम को उनकी श्रृंगार रस वर्णन करते हैं। अब ये चीज को कौन बोल सकता है, ये मधुकंठ सिद्धकंठ बन करके गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की बाल्य उनको सबेरे अवस्था में ये लीला करते कहते हैं, और शाम को ये लीला कौन बोल सकता है, जो वहां पर है वो वही व्यक्ति केवल बोल सकता है, अजीव गोस्वामी वहीं पर है। इसलिए उन्होंने इस सब चीज को अद्भुत रूप में ये गोपाल चंपु ग्रंथ में कृष्ण लीला, साधारण नहीं कृष्ण लीला कोई बोल सके, हैं, जो देखेगा केवल वही बोल सकता है, सभी ये कृष्ण लीला को वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये गोपाल चंपू जो ग्रंथ लिखे और जो तरह तरह का उन्होंने भाष्य उन्होंने लिखे टीका, ये अद्भुत रूप में जीव गोस्वामी हम लोगों को अद्भुत अद्भुत चीज उन्होंने दे कर गए। इसलिए आज श्री जीव गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, जीव गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। इसलिए जीव गोस्वामी हम सब लोगों के ऊपर में कृपा करे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया है ना, देखो हम लोग बहुत सौभाग्यवान जो इधर उधर संप्रदाय में नहीं जाकर महापुरुष धारण में आए, बहुत सौभाग्यवान है। आप किसी दूसरे संप्रदाय में जाओ और जितने संप्रदाय कोई एक आध ग्रंथ कहीं आपको मिलेगा, एक आध कोई ग्रंथ केवल आपको मिलेगा, ज्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन महाप्रभु को धारा में हाँ वो संपूर्ण निकुंज गोलोक वृंदावन का संपूर्ण निकुंज उतर आया। और कोई ठाकुर अगर कोई संप्रदाय मिलेगा ना, केवल एक ठाकुर कहीं दिखाई पड़ेगा, एक ठाकुर कहीं और एक ग्रंथ। हमारा संप्रदाय भी देखो वृंदावन में जाओ सारे हमारी गौरी वैष्णव का ठाकुर सब जगह, और कुछ है ही नहीं, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा रमन राधा श्याम सुंदर राधा गोकुलानंद राधा दामोदर, इतना नहीं राधा दामोदर मंदिर में चार ही गोस्वामी का सभी विग्रह है ना, चार पांच गोस्वामी का सभी विग्रह। गोकुलानंद में जाओ चार पांच वैष्णव का सभी विग्रह वहां पर मिलेगा, इतने इतने पूरा वृंदावन को अगर किसी संप्रदाय पूरा छाए करके रखे ना हमारे संप्रदाय का। और वहां पर जो इधर जो मदन मोहन है ना, कहते वृंदावन का राजा कौन, गोविंद गोपीनाथ, ये तीनों राजा है, इसलिए बाकी बिहारी को त्याग देना पड़ता है, गोविंद ये गोविंद ये मदन मोहन को देना त्याग पड़ता है। और उस तरफ में इधर गोविंद इधर गोविंद देव किधर रंगजी मंदिर की तरफ में, कहते गोविंद देव को वो राजा है ना वहाँ के, वहाँ पर जो रंगजी मंदिर वाले जो नारायण उनको टैक्स देना पड़ता है। बीच में जो गोपीनाथ बीच में गोपीनाथ मंदिर बीच में उनका आसपास मंदिर को टैक्स देना पड़ता है, बोले कि वृंदावन का राजा ही है उनको टैक्स देना पड़ता है, ये राजा यही है, हैं? मतलब हमारा जो संप्रदाय का जो ठाकुर है ना पूरा छाए हुए चारों तरफ में, हमारे संप्रदाय का ठाकुर पूरा छाए हुए। अब मंदिर भी देखोगे ना, अभी गौड़ी मठ वृंदावन 10-15 गौड़ी मठ है, कभी कभी गौड़ी मठ का एड्रेस लेकर जाए ना गौड़ी मठ का पागल होकर घूम रहे हो इतने गौड़ी मठ जब तक तुम नाम नहीं जानते हो। और जो ग्रंथ में
देखो जैसे श्रीनाथ जी कहते ये बल्लभ संप्रदाय का ठाकुर नाथ द्वार में श्रीनाथ जी, वो किसका ठाकुर है? हमारे ठाकुर। किसने प्रकट किया था? माधवेंद्र। फिर बाद में उन्होंने क्या किया सनातन को इनके पास में, लेकिन ये सब सब त्यागी थे इसलिए उन्होंने क्या किया ठाकुर को, पहले वो गृहस्थ थे विठलनाथ, हाँ उनका जो बेटे बोले तुम लोग उसको सेवा करो क्योंकि हम लोग त्यागी है उनको देखिए वो हमारी ठाकुर है। राधा वल्लभ जी राधा वल्लभ उनका संप्रदाय में ठाकुर किसके है? वो हमारे ठाकुर है क्योंकि जो हित हरिवंश है कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का शिष्य है, हित हरिवंश है, है किसी कारण से झगड़ा हुई तो हुई लेकिन वो हमारी संप्रदाय का ग्रंथ है। गुरुदेव कहते हमारे संप्रदाय का वो भी ग्रंथ, हमारे ठाकुर का ग्रंथ है, हमारे संप्रदाय का ठाकुर है, इसलिए पूरा वृंदावन है ना हमारी और किसका है नहीं, वृंदावन हमारी है। और जितने ग्रंथ है देखो एक एक गोस्वामी का देखो कितने ग्रंथ, उन्होंने 25 ग्रंथ लिखे हैं, 25 ग्रंथ राधा रस सुधा निधि हमारी संप्रदाय का, जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने जो ग्रंथों को लिखा भी बल राधा बल्लभ को जोर जबरदस्ती बोलते हैं लेकिन ग्रंथ हमारी ग्रंथ है, हाँ ये ग्रंथ हमारी है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी का ग्रंथ देखो क्या ग्रंथ है ये भगवान, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का कितने ग्रंथ, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का ग्रंथ है, हैं? इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का देखो क्या रस को खुल कर रख दिए उन्होंने, क्या रस को खुल कर रख दिए। इसलिए बृहदेव विद्याभूषण प्रभु का देखो कितने ग्रंथ है, हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, हम जो महापुरुष धारा में हम सबके से महापुरुष धारा में है लेकिन थोड़ी सी धारा तुम्हें आ गए, लेकिन ये ग्रंथ को ना हमें पढ़ने चाहिए, हैं? हम लोग क्या करते हैं खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन इतना ग्रंथ कम से कम गोस्वामी ने इतना दिन रात कष्ट करके जो ग्रंथ को रचना किए कम से कम ग्रंथ का हमें थोड़ी सी अध्ययन करनी चाहिए। देखो हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, केवल हम इनको पास में आकर के ना जब मैं मथुरा पहले आया हम देखा गुरुदेव नई नई कथा सुनाते, हमने कहा गुरुदेव इसको कहाँ से कथा लाए, हम तो कभी सुनी नहीं चमत्कार चंद्रिका प्रेम संपोट उसमें जो कथा सुनाते करते विश्वनाथ चक्रवर्ती और टीका की जब सुनाते थे हम बोलते थे महाराज जी सुन नई नई बात कहाँ से, जब माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ उन्होंने माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ को हम सुने इतने अद्भुत ग्रंथ है हम तो सुन सुनकर दंग रह जाते थे, महाराज जी इतने ग्रंथ कहाँ से लाए, इतनी कथारी कथा कहाँ से सुनाते हैं, हाँ इसलिए हमारे महाराज जी सारे गोस्वामी ग्रंथों को महाराज सब अध्ययन किया है, जब पाठ करते थे ये सब ग्रंथों को कोटेशन देते थे ग्रंथ की बार भी बोलते थे, इसलिए हम सुन सुन करके आश्चर्य होते थे गुरुदेव सब कथा कहाँ से लाते कौन सा ग्रंथ है, इसलिए हमारी महाराज में एक विशेषत्व है दूसरे दूसरे गौड़ी बटे हम देखे बाहर कोई एक आध ग्रंथ के मंदिर में पाठ होता है जैसे जैव धर्म कहीं चेतना भागवत चेतना और कोई ग्रंथ इतना नहीं, लेकिन केवल महाराज के पास में आकर के हमने देखा हमारे महाराज जी सारे ग्रंथों को पढ़ते थे वो कथा भी सुनाया करते थे, हाँ सारे ग्रंथों को अध्ययन करते थे, जो बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ है कहीं किसी गौड़ी मठ में सुनने को इतना नहीं मिलता है, लेकिन हम जब हम मथुरा में आए यही ग्रंथ के ऊपर महाराज ज्यादा से ज्यादा इसी ग्रंथ को डिस्कशन कर क्लास देते थे, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो कि हम महाराज का शरण में आए, जैसे बच्चे से इतने कथा सुनना बोलना इतना, और अभी भी दूसरे गौड़ी मठ में जाओ ना इतने आपको कथा बोलने वाले इतना लोगों को कोई नहीं मिलेगा, जो थोड़ी बोलेंगे साधारण, लेकिन हमारे महाराज जी का इतना आशीर्वाद है ना उनका एक एक शिष्य ना इतने दूरंधर है, उनका शिष्य सचमुच से इतने दूरंधर है, इतनी अच्छी हरी कथा सुनाते हैं, इतनी अच्छी हरी कथा, इनके जो सन्यासी है ही है ब्रह्मचारी तो एक से एक है, और जो गृहस्थ में रहते हैं और जो स्त्रियां भी वो भी बड़े बड़े विद्वान है, वो भी बड़े सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी हरी कथा सुनाते हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान महापुरुष की धारा में हम सबके सवाए श्री जीव गोस्वामी की धारा में, इसलिए आज इनकी तिरुभाव है हम इनको सबके सब प्रणाम करते हैं, वो हम सबको पर भी कृपा करे उन्होंने ग्रंथ में जो देखे गए कम से कम उसको थोड़ी सी स्पर्श कर सके, बोले बांछा गल बुदुर भैस कृपा सिंधु भय बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, जय जय श्री गौर परमानंद।